हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में हुए पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पूरी तरह जबरन एक्शन मोड पे आ गई है। सरकार ने शिमला में आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन की अगुवाई में आला आईएएस अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी को इस मामले में अलग से जांच करने के लिए हमीरपुर भेजा है। हाई पावर कमेटी पिछले 5 से 6 सालों में इस आयोग के जरिए जितनी भी भर्तियां हुई हैं सारे रिकॉर्ड को जांचने का काम कर रही है। कमेटी अलग होने वाले पेपर को किस ढंग से तैयार किया गया था और इस पेपर का सारा रिकॉर्ड कहां और किसके पास रखा गया था इसे लेकर जांच कर रही है। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग है उसे किस ढंग से निकाला जाना है ये उसमें कोई भी गड़बड़ी तो नहीं हुई है इसकी भी हाई पावर कमेटी जांच करेगी। कमेटी जिस ढंग से बारीकी से सारे रिकॉर्डों को इकट्ठा कर रही है इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार इस मामले की जांच को लेके कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि आयोग के कर्मचारियों को इस रिकॉर्ड को देने में काफी समय लग रहा है और उन्हें रात 9 बजे तक हाई पावर कमेटी के लिए आयोग के दफ्तर में बैठना पड़ रहा है। पेपर लीक मामले में आयोग की सीनियर असिस्टेंट महिला कर्मचारी उमा आजाद के साथ उनके 2 बेटे और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंबा एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट।